पंजाब में कांग्रेस के मुख्यमंत्री को लेकर सुखजिंदर रंधावा का नाम, पंजाब कांग्रेस ने किया फाइनल, नाम पर कांग्रेस आलाकमान से हरी झंडी का इंतजार, जल्द इस नाम पर लग सकती है मोहर। चुनावी मोड़ में नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पहुंचे उत्तराखंड, वादों की पौछार की, कहा 6 महीने में 1 लाख नौकरी और 5,000 देंगे भत्ता। पंजाब में सियासी संग्राम जारी, बीजेपी ने गांधी परिवार पर साधा निशाना, जावड़ेकर बोले सिद्धू पर लगे आरोप गंभीर, सोनिया राहुल गांधी क्यों है चुप। आगरा में वायरल फीवर के साथ डेंगू का कहर जारी, पुलिसकर्मी में डेंगू की पुष्टि, 1 साल के बच्चे की बुखार से गई जान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। खबरों का रुख कर लेते हैं। पंजाब में अमरिंदर सिंह सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक रविवार को पर्यवेक्षकों के साथ कांग्रेस विधायकों की हुई बैठक में उनके नाम पर मोहर लग गई है। अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से कुछ घंटे पहले कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को एक पत्र में लिखकर अपना दुख व्यक्त किया था। उन्होंने ये चिट्ठी कल लिखी थी जो कि आज सार्वजनिक हुई है। इस चिट्ठी में उन्होंने खुद को पिछले 5 महीनों की राजनीतिक घटनाओं से दुखी बताया। ऐसे में सुखजिंदर रंधावा के मुख्यमंत्री के नाम आगे आने से उनके घर पर विधायकों और मंत्रियों का आना शुरू हो गया है। वहीं बता दें विधायक परमिंदर पिंकी भी सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि बहुत ही जल्द पंजाब का नया मुख्यमंत्री का ऐलान हो जाएगा और हमने आलाकमान को अपना पक्ष रख दिया है, ऐसे में रंधावा हमारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो अभी भी सस्पेंस पंजाब कांग्रेस में बना हुआ है। सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस के नए मुख्यमंत्री पंजाब के बनाए जा सकते हैं। हालांकि सुखजिंदर रंधावा अब मीडिया के सामने आए, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि अभी नाम तय नहीं हुआ है, लेकिन अब सुखजिंदर रंधावा का नाम जो है वो सामने आ रहा है और ऐसे में सोनिया गांधी इस नाम पर जल्द ही मोहर लगा सकती हैं। पंजाब कांग्रेस की तरफ से ये नाम फाइनल करके आलाकमान के पास भेज दिया गया है और कुछ ही समय बाद हो सकता है जल्द ही इस नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो बता दें सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब के नए मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। ऐसे में सुबह से विधायक दल की बैठक हुई थी, उसमें कई नाम सामने आ रहे थे। सिद्धू का नाम हो गया, अंबिका सोनी का नाम हो गया, जाखड़ का नाम, ये तमाम नाम थे जो सामने आ रहे थे, रेस में आगे माने जा रहे थे। लेकिन अब सुखजिंदर रंधावा का नाम सामने आ चुका है। हालांकि उनके घर पर विधायकों का आना जाना भी शुरू हो गया है, उनके घर पर काफी हलचल भी देखी जा सकती है। हालांकि अभी इंतजार बस इस बात का है कि नाम का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि अब पंजाब कांग्रेस ने नाम तो फाइनल कर लिया, नाम तय कर लिया, अब आलाकमान को यह नाम भेज दिया गया है। अब सोनिया गांधी ही इस नाम पर फैसला लेंगी और ऐसे में राहुल गांधी भी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। चलिए हमारे साथ संदीप दुबे बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। संदीप जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी नमस्कार। संदीप जी, देखिए जिस तरह से देखा जाए पंजाब कांग्रेस में इतनी काफी गहमा गहमी चल रही है, अगर बीजेपी की बात की जाए, देखिए बीजेपी में ने भी मुख्यमंत्रियों का कई इस्तीफा लिया था कई राज्यों में, अभी बीते 6 महीनों के अंदर ही 3 राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने इस्तीफा दिया था, लेकिन बीजेपी में एक यूनिटी कहें, एकजुटता कहें, वो जरूर देखी जाती है और कांग्रेस में वो कहीं नजर नहीं आती। देखिए हर पार्टी की अपनी अपनी कार्य करने की शैली होती है और पद्धति होती है। कांग्रेस के लोगों की जो पद्धति और शैली है वो ये है कि कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है और उसके बगैर वहाँ कुछ नहीं हो सकता। तो आम जनता की जो भावना है वो परिवार तक सीमित है, तो वहाँ सरकार कैसे चलेगी, किस तरह चलेगी, लंगड़ी हो गई है सरकार, तो सरकार चलाने के नाम पे लंगड़ी सरकार कितने दिन तक और चलेगी, कितना उसका भविष्य, ये मुझे नहीं पता, या ऐसा हो कि गर्भ में ही गर्भपात हो जाए, तो ये सब सारी सोचने की प्रक्रिया। और आज पंजाब की जो जनभावना है, पंजाब के लोग जो हैं वो काफी दुखी हैं, खासतौर से कांग्रेस के काम करने के तरीके से, कि जिस तरह से बहुमत कांग्रेस को मिली थी आज वो कांग्रेस 5 साल भी पूरा नहीं कर पाई। जी,
बिल्कुल संदीप जी, लेकिन देखिए कहीं ना कहीं अगर कहा जाए, देखा जाए तो अक्सर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता रहते हैं उनमें एक शिकायत ये जरूर रहती है कि आलाकमान तक उनकी बात नहीं पहुंच पाती, उनकी बात नहीं सुनी जाती। देखिए बीजेपी सरकार में भी बदलाव जो होता है वो काफी देखा जाता है, बड़े स्तर पर बदलाव देखा जाता है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस में ये गहमा गहमी शुरू होती है, अब देखिए पंजाब में चुनाव बेहद नजदीक है, ऐसे में ये बदलाव जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े स्तर पर है। हालांकि बदलाव देखिए बीजेपी में भी हुआ है और होता भी रहा है, चाहे उत्तराखंड की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, कर्नाटक की बात कर ली जाए, लेकिन जिस तरह से बीजेपी एकजुट होकर खड़ी नजर आती है, कांग्रेस उस तरह से बिल्कुल नहीं आती। देखिए मैं थोड़ी आवाज कम सुन पा रहा हूँ क्योंकि उधर से संदीप जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? आवाज धीरे आ रही है थोड़ा सा। चलिए शायद संजीव जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर गहमा गहमी जो है वो अभी भी जारी है। हालांकि कुछ समय बाद इस चेहरे का नाम का ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब थोड़ी ही देर में सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर माहौल लग सकती है। हालांकि देखिए पंजाब कांग्रेस ने नाम तय जरूर कर लिया है, पंजाब कांग्रेस की तरफ से नाम फाइनल कर दिया गया है और इस नाम को दिल्ली आलाकमान के पास भेज दिया गया है। ऐसे में राहुल गांधी भी सोनिया गांधी से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि थोड़ी ही देर में जो है सोनिया गांधी इस नाम पर मोहर लगा देंगे और इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। अगर सुखजिंदर सिंह रंधावा की बात कर ली जाए तो उन्होंने अभी मीडिया में साफ तौर पर सामने आकर कह दिया कि कोई भी नाम फाइनल नहीं हुआ है। हालांकि देखिए हलचल जरूर सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर तेज हो गई है, विधायकों का तांता लगना शुरू हो गया, विधायक वहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी भी कोई भी कुछ बात जो है वो कहने से बच रहा है, कोई भी कोई जानकारी नहीं दे रहा। हालांकि शायद सब इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि जब एक बार आलाकमान की तरफ से नाम का ऐलान हो जाए तब हर कोई जो है इसको जश्न के रूप में मनाए, क्योंकि भीड़ जो है वो इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, सुखजिंदर सिंह रंधावा के घर पर समर्थक पहुंचने शुरू हो गए हैं और ऐसे में तमाम जानकारियां सामने मिल रही हैं कि दो डिप्टी सीएम भी पंजाब में बनाए जा सकते हैं। और ऐसे में आज देखिए सुखजिंदर सिंह का नाम फाइनल पंजाब कांग्रेस ने कर लिया है, तो ऐसे में अब उन्होंने राज्यपाल से मिलने का समय भी मांगा है। ये तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो लगातार सामने आ रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि थोड़ी ही देर बाद सुखजिंदर सिंह रंधावा के नाम पर मोहर लग जाए और आलाकमान इस नाम पर अपनी सहमति जताते हुए इस नाम का ऐलान कर दे। पंजाब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर जारी खींचतान के बीच बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाले हैं। सिद्धू पर लगे आरोप पर आखिर सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुप क्यों हैं? गांधी परिवार को सामने आकर कैप्टन को जवाब देना चाहिए। दरअसल पंजाब कांग्रेस में शनिवार से ही मैराथन बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो सका है कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह के उत्तराधिकारी को लेकर कई नामों पर चर्चा चल रही है। वहीं ऐसे में मुख्यमंत्री की रेस में अंबिका सोनी, सुनील जाखड़ समेत कई नाम सामने आ रहे थे। इसके अलावा नवजोत सिंह सिद्धू का नाम भी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने आया था। हालांकि गांधी परिवार से नजदीकियों के बावजूद सिद्धू का प्रदेश का नया सीएम बनना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में सुखजिंदर सिंह का नाम जो है वो सामने आ रहा है और थोड़ी ही देर में इस नाम का ऐलान भी हो सकता है। वहीं कांग्रेस सिद्धू के चेहरे पर आने वाले विधानसभा चुनाव लड़ना नहीं चाहती है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की नजर में सिद्धू एक ऐसे नेता हैं जो 2022 के चुनाव से पहले पार्टी में मचे घमासान को शांत करा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में पंजाब में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा इस नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद ही गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने उनको एंटी नेशनल कहा है, देश विरोधी कहा है। पंजाब के कल तक जो मुख्यमंत्री थे
कैप्टन अमरेंद्र सिंह, उन्होंने कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। भारत पर पाकिस्तान द्वारा आतंकी हमले के बाद नवजोत सिद्धू ने पाकिस्तान जाकर वहां के सेना प्रमुख बाजवा को जिस तरह से गले लगाया, इसका उदाहरण देते हुए उन्होंने उसको एंटी नेशनल कहा है। यह बेहद ही गंभीर आरोप है और देश ने देखा है। देश के मन में पहले से ही ये मुद्दा था। कल उसको अमरेंद्र सिंह ने मुखर किया। भारतीय जनता पार्टी इस समय एक ही सवाल पूछ रही है, सोनिया जी से, राहुल जी से और प्रियंका जी से, कि आप चुप क्यों हैं? इतना बड़ा संगीन आरोप प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के अध्यक्ष पर लगाए और कांग्रेस पूरी चुप रहे, इसका मतलब क्या है? हम मांग करते हैं कि कांग्रेस को इस मुद्दे पर बोलना चाहिए, इस मुद्दे पर अपनी भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए। और हम पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी इन गंभीर आरोपों का संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई करेगी? उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ऐसे में उन्होंने हर घर रोजगार का ऐलान किया है। बता दें उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए आम आदमी पार्टी जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। राज्य में पार्टी को मजबूत करने के लिए अरविंद केजरीवाल भी उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे हैं और इस दौरान मुफ्त बिजली की घोषणा के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने रोजगार को लेकर प्रदेश की जनता से कई बड़े वादे कर दिए हैं। रविवार को हल्द्वानी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केजरीवाल ने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद 6 महीने में 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो उत्तराखंड के सभी बेरोजगार के लिए मुहैया रोजगार कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरियां तैयार कर दी जाएंगी। उत्तराखंड के बच्चों के लिए एक जॉब पोर्टल बनाया जाएगा और यहाँ के लोगों के लिए रोजगार और पलायन मंत्रालय बनाया जाएगा। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल ने हर घर रोजगार का भी ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता तब तक हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। तो बता दें अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर पहुंचे थे जहां पर उन्होंने कहा कि हर घर रोजगार का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब रोजगार प्रदेश में दिया जाएगा युवाओं को और जो अभी तक जिन परिवारों से, बता दें रोजगार जिनको नहीं मिलता है, तब तक उन परिवार को से एक युवा को 5,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। तो ऐसे में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं आम आदमी पार्टी भी पूरी तरह से सक्रिय और एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड का दौरा कर रहे हैं। पहले बता दें वो उत्तराखंड में फ्री बिजली जनता को देने का वादा कर चुके हैं कि अगर हमारी सरकार अगले साल उत्तराखंड में बनती है तो फ्री बिजली उन्हें दे दी जाएगी, जनता को दी जाएगी। और ऐसे में अब उन्होंने रोजगार देने का युवाओं को ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है के रोजगार युवाओं को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिलता तब तक हर परिवार से एक युवा को 5,000 रुपये महीना दिया जाएगा। इसके अलावा सरकारी और निजी क्षेत्र में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। यानी कि लगातार वादों की बौछार जनता पर केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में केजरीवाल की तरफ से तमाम वादे, तमाम दावे जनता के लिए किए जा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उन्हें वोट करें और अगले साल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बन सके।
चार धाम की यात्रा शुरू होने पे सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड को बने हुए 21 साल हो गए। इन 21 सालों में इन पार्टियों ने, इन नेताओं ने उत्तराखंड की दुर्दशा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नदियां लूट ली, पहाड़ लूट लिए, जंगल लूट लिए, जो मिला वही लूट लिया इन लोगों ने। आज पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ महीनों से कोटियाल साहब के साथ बैठ के, उत्तराखंड के लोगों के साथ बैठ के, देवभूमि के लोगों के साथ बैठ के इन 21 सालों की दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का हम लोग प्लान बना रहे हैं। और वही प्लान एक एक करके आप लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। कैसे स्कूल बनाए जाएंगे, कैसे अस्पताल खोले जाएंगे, कैसे 24 घंटे बिजली मुहैया कराई जाएगी, कैसे सड़कें ठीक की जाएंगी, कैसे खेती ठीक की जाएगी, कैसे रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो 21 साल में इन सब ने मिलकर दुर्दशा की है, इस दुर्दशा को 21 महीनों में ठीक करने का पूरा प्लान हम लोगों ने उत्तराखंड के लोगों के साथ मिलकर तैयार किया है। उस प्लान का पहला बिंदु, मैं अभी जब कुछ हफ्ते पहले आया था तब आपके बीच में रखा था कि लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, किसान बिजली के बिलों से परेशान हैं, पुराने अनाप शनाप बिलों से परेशान हैं। तो हमने कहा कि जैसे दिल्ली में करके दिखाया, दिल्ली में आज लगभग 73% लोगों को मुफ्त बिजली मिलती है, हमने करके दिखाया है, हम झूठे वादे नहीं करते। ऐसे ही उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, पुराने बिजली के बिल माफ करेंगे, किसानों को मुफ्त बिजली देंगे, और 24 घंटे, ऐसा नहीं कि भाई इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, कोई कहेगा मुफ्त बिजली देंगे तो बिजली नहीं आएगी, 24 घंटे बिजली आएगी और मुफ्त बिजली आएगी। सरकार में और प्राइवेट में 80% नौकरियां उत्तराखंड के बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। चौथा, सरकार बनने के 6 महीने के अंदर 1,00,000 सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी। आप पूछेंगे कैसे होंगी, लगभग 50,000 से 60,000 तो वैकेंसी हैं सरकार में अभी, और उसके बाद जैसे मैंने बताया, और आने वाले दिनों में मैं और कई बार आऊंगा, हम इतने स्कूल, अस्पताल, सड़कें, मोहल्ला क्लिनिक, हमने इतने सारे प्लान बना रखे हैं जो एक एक करके आपके साथ शेयर करेंगे। इन सबको मिला के इतनी नौकरियां पैदा होंगी, नई नौकरियां क्रिएट की जाएंगी सरकार के अंदर, तो लगभग 6 महीने के अंदर 1,00,000 नौकरियां तैयार की जाएंगी सरकार में। दिल्ली में अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो बेहद सक्सेसफुल रहा, हमने एक जॉब पोर्टल बनाया, हमने कहा भी जो नौकरी देने वाले हैं वो इस पे अपनी सारी नौकरियां कर दो, और जो नौकरी लेने वाले हैं वो भी कर दो। कोरोना के वक्त में बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, आपको जानकर ताज्जुब होगा, 10,00,000 नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे आई थी, 10,00,000 नौकरियां इस जॉब पोर्टल पे एडवर्टाइज हुई थी। ऐसा ही जॉब पोर्टल उत्तराखंड के बच्चों के लिए तैयार किया जाएगा, जहां पे नौकरी देने वाले और नौकरी लेने वाले आपस में मिल सकें, और मैं समझता हूं इसके अंदर बहुत बड़ी ताकत है। और छठा, एक अलग से मंत्रालय बनाया जाएगा, रोजगार और पलायन मामलों का मंत्रालय। उस मंत्रालय का काम होगा कि
रोजगार के नए नए अवसर तैयार करना एक तरफ, और दूसरा युवाओं को पलायन करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाना, और तीसरा जो लोग उत्तराखंड छोड़ के चले गए हैं वो अगर वापस आना चाहते हैं, पलायन कर चुके हैं वो वापस आना चाहते हैं, उनके लिए उचित कंडीशंस तैयार करना। हमने बैठ के इसका काफी, जैसा मैंने कहा कि 1 लाख तो ये 6 चीजें मोटी मोटी हैं। 1 लाख तो सरकारी नौकरियां तैयार की जाएंगी, प्राइवेट सेक्टर में बहुत नौकरियों का स्कोप है। उत्तराखंड की सरकार की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, यहां तक कि तनख्वाह देने के भी लाले पड़े रहते हैं। ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कैसे लागू करेंगे? इसमें मैं बस आपको एक ही उदाहरण दूंगा, जो हमारा तो एक्सपीरियंस भी कम है, हम तो नेता भी नहीं है, दिल्ली चला के देखी है हमने। दिल्ली में भाई साहब जब हमारी सरकार बनी थी 2015 में, उसके पहले जब मैं लोगों को कहता था बिजली फ्री करूंगा, पत्रकार मेरे से यही क्वेश्चन पूछते थे, जी दिल्ली में तो तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, दिल्ली सरकार तो घाटे में चल रही है, दिल्ली में तो बिल्कुल पैसा ही नहीं है, आप रेवेन्यू कहां से लाओगे? तो मेरा छोटा सा 6 साल का दिल्ली सरकार चलाने का एक्सपीरियंस है, सरकारों में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। हमने 6 साल के, मैं नहीं कह रहा, सीएजी की रिपोर्ट आई है 2019 की, आप पढ़ना सीएजी की रिपोर्ट। 2015 में हमने सरकार बनाई, 4 साल के अंदर दिल्ली का जो घाटे का बजट आता था, 4 साल के अंदर वो नफे का प्रॉफिट का बजट आने लग गया। सीएजी की रिपोर्ट है कि पूरे देश में अकेले दिल्ली सरकार है जो नफे का बजट दे रही है। क्यों? हमने क्या किया? भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, एक फ्लाईओवर बनना था, वजीरपुर फ्लाईओवर कभी जाओ तो देख लेना, 325 करोड़ का बनना था। अब सरकार में अगर कोई 325 करोड़ का फ्लाईओवर बनना और उसका एस्टीमेट 325 करोड़ हो, तो वो बनते 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 1500 करोड़ का बनता है कि नहीं बनता? और अगर 2 साल में पूरा होना तो 10 साल में पूरा होता। हमने 325 करोड़ का फ्लाईओवर 200 करोड़ में बना दिया। मुझे लगता है आजादी के बाद की पहली सरकार होगी जो 325 करोड़ का फ्लाईओवर सरकारी 200 करोड़ में पूरा करती होगी। हर काम में पैसे बचाते हैं भाई साहब, तो सरकार में पैसे की कमी नहीं है। जितनी घोषणाएं मैं कर रहा हूं, ये सारी एक एक घोषणा पूरी होगी। एक मौका कोटियाल साहब को देके देखो आप लोग। आगरा के देहात क्षेत्रों में वायरल के साथ साथ डेंगू भी अपना प्रकोप बरसा रहा है। जहां एक और वायरल से कई लोग जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही 2 नए मामले आगरा के बाहर थाने के से सामने आए हैं। पहले मामले में बता दें, थाना बाहर क्षेत्र की जरार चौकी में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल विजेंद्र कुमार को 4 दिन से बुखार से ग्रसित होने के चलते अब अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा भी CHC केंद्र बाहर में भर्ती कराया गया है। वहीं जब अस्पताल में डॉक्टरों ने कांस्टेबल की जांच की तो कांस्टेबल में डेंगू बुखार की पुष्टि हुई, जिसके बाद डॉक्टरों ने कांस्टेबल को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर आगरा के लिए रेफर कर दिया। वहीं दूसरे मामले में संदिग्ध बुखार के चलते 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्चे को 3 दिन से लगातार बुखार आ रहा था, जबकि बच्चे के परिजन फरेरा स्थित एक झोला छाप डॉक्टर से ही बच्चे का इलाज करा रहे थे, जिसके चलते बच्चे की जान चली गई। आपको बता दें कि जिस गाँव में बच्चे की मौत हुई है, उस गाँव में करीब 1/2 दर्जन बच्चे अभी भी बीमार हैं, जिनका हायर सेंटर आगरा में इलाज किया जा रहा है। तो बता दें, आगरा में वायरल फीवर के साथ साथ डेंगू का कहर भी देखने को मिल रहा है। चलिए, आगरा से हमारे संवाददाता राजकुमार तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजकुमार, जिस तरह से आगरा में वायरल फीवर और डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है, अभी स्थिति कैसी है? देखिए, मैं बता दूं, ये पूरा मामला फतेहपुर सीकरी के रसूलपुर गांव का है, जहां 3 साल के भाई और 8 साल की बहन की मौत हो गई है। 2 भाई बहन की हालत गंभीर है, जिसको उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया है, जहां गांव का निरीक्षण करने के लिए CMO डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव भी पहुंचे हैं, उप जिला अधिकारी की टीम भी पहुंची है।
स्वास्थ्य विभाग में वायरल बुखार के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए एंटी लार्वा का छिड़काव भी किया जा रहा है, साफ सफाई की भी सुविधा देखी जा रही है। जी जी, चलिए राजकुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आगरा में देहात क्षेत्रों में डेंगू का कहर बढ़ रहा है, प्रकोप देखने के लिए मिल रहा है। पुलिस कर्मी की डेंगू में पुष्टि हुई तो एक साल के बच्चे की भी डेंगू के चलते जान चली गई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।